13वें दिन भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मेदांता में भर्ती हैं। हालांकि उनकी तबीयत दिन पर दिन सुधरती जा रही है। बता दें कि मेदांता अस्पताल में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, घरौंडा विधायक हरविंद्र कल्याण, जींद विधायक कृष्ण मिड्ढा भी भर्ती हैं। वहीं हाल ही में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया है। रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री का मेदांता में 13वां दिन है जब उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। बता दें कि सीएम खट्टर का यहां पर कोरोना के चलते इलाज चल रहा है। हाल ही में हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मेदांता में उन्हें भर्ती किया गया। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 25 अगस्त को गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती हुए थे। हालांकि अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता की सेवा मेदांता से ही कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। फिलहाल वो 14वें फ्लोर पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। सूत्रों के मुताबिक एक दो दिन में मुख्यमंत्री की मेदांता से छुट्टी हो सकती है और वो सीधे गुरुग्राम से चंडीगढ़ की ओर निकलकर एक बार फिर से हरियाणा की जनता के कामकाज का सिलसिला चंडीगढ़ से ही संभालेंगे। बता दें कि मेदांता में 14वें फ्लोर पर मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला के 3 पारिवारिक सदस्य, घरौंडा से विधायक हरविंद्र कल्याण, जींद विधायक कृष्ण मिड्ढा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बड़े भाई राजेंद्र भी मेदांता में भर्ती हैं, जहां सभी का कोरोना का इलाज चल रहा है। वहीं झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन को मेदांता से आज छुट्टी मिल गई है और 26 अगस्त को शिबू सोरेन गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती हुए थे, जहां उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। बता दें कि कोरोना काल में लगातार वीवीआईपी लोगों का इलाज मेदांता में ही चल रहा है। हालांकि कई नेताओं को छुट्टी भी मिल गई है, जिनमें हाल ही में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन, देश के गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, तेलंगाना के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान शामिल हैं। इन सबकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई है। वहीं यूपी में कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की मेदांता में कोरोना के चलते मौत भी हुई है। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।